हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नितुल शर्मा बिब्लियोफाइल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड होता है आपका श्रीधराचार्य मेथड। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना। सबसे पहले हमने माना लेट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये बात हमें मानना है। क्यों करना है? क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0, यदि a अगर 0 हो गया तो ये bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बंद करना है, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डिवाइड दे देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, बी अपॉन ए। एक्स स्क्वायर का जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके और उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट लिखिए एडिंग बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर बोथ साइड्स। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए प्लस इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर आपका एलसीएम, a डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इट्स 4a, 4a मल्टीप्लाई बाय माइनस 4a सी क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स फाइनली आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। स्टूडेंट्स, इसे ही कहते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, सो स्टूडेंट्स, इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये हुआ कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द्विघात समीकरण के मानक रूप को यदि हम पूर्ण वर्ग विधि यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है डिराइव हो जाता है। ओके, मींस कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी हुई हो तो उसको इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सबसे पहले वन करना है, मींस उसका डिवाइड लगाना है, उसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर दोनों तरफ हमने ऐड करा है और फिर सिंपल एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आने वाले वीडियोस में हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तब तक
बने रहिए हमारे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।